앞에서 삼촌아 되세요. 아 सारी दुनिया में नहीं आया तो तब से लेकर आप अभी तक काम कर रहे हो आपने अपना जो लेवल जिस तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है बहुत सारे एक्टर आ रहे हैं मराठी इंडस्ट्री में भी काफी कंपटीशन चल रहा है लेकिन आपने अभी तक जिस तरह से अपना लेवल मेंटेन करके रखा और आज इस तरह से बेस्ट मराठी एक्टर क्या क्या फील करते हैं आप बहुत बहुत आभारी हूँ आफ्टरनून का न्यूज मेकर्स का इस अवार्ड के पीछे जितने लोग बंधे हैं जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ दर्शकों का जिनकी वजह से जिनकी बदौलत ये या फिर ऐसा कोई भी अवार्ड हमारे नसीब में होता है मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों का प्रेम दर्शकों का प्यार इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है और अगर ये अवार्ड आज हमारे हाथ में है तो उसकी वजह भी दर्शकों का प्यार ही है ऑल द डायरेक्टर्स द प्रोड्यूसर्स द राइटर्स हू बीन राइटिंग ग्रेट स्टफ फॉर अस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थिंक दे आर ऑल्सो इक्वली डिजर्विंग ऑफ दिस अवार्ड एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट मेरे मीडिया के सभी दोस्त जो हमेशा हमेशा हमारा काम लोगों तक पहुँचाते हैं हमारी बात लोगों तक पहुँचाते हैं सो आई थिंक इट्स अ टीम वर्क गेटअप में है तो क्या ये कोई फिल्म है अपकमिंग या हाँ रणांगण नाम की फिल्म आ रही है मराठी फिल्म है 11 मई को रिलीज हो रही है और पहली बार मेरे करियर में विलन प्ले कर रहा हूँ तो उससे जुड़ा हुआ ये गेटअप है तो 11 मई को पिक्चर देखिएगा और बताइएगा कि ये जो कोशिश मैंने की है वो आपको कितनी भाती है तो ये जो पहली बार आप विलन कर रहे हैं ये कैसा रहा क्योंकि विलन में हमने आपको नहीं देखा अब मैंने भी नहीं देखा आपने आपको मैं भी बहुत कैसी कर रहा हूँ कि कैसा रहा लेकिन अब मेरा जो करना था कहना था वो हो गया वो कैद हो गया कैमरे में बंद हो गया और फिल्म बन गई उसकी अब 11 मई से आप देखिए और आप बताइए कि आपको कैसा लगता मेरे लिए बहुत मज़ेदार था बहुत आनंददायी था क्योंकि एक एक्टर के लिए आप जो नहीं है या आपने जो कभी नहीं किया है वो करने जैसा दूसरा कोई एक्साइटमेंट या दूसरी कोई किक नहीं है सो वेरी वेरी एक्साइटेड आई विश कि लोगों को पसंद आई थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू I think honestly I'm very honored and very humbled to be at this award. First of all, I have to congratulate our afternoon voice. You know, in India we always are talking but we don't do anything. And mujhe yahan pe aake aise mehsoos hua ki you know our country is moving forward and kafi social reforms ho rahe hain and hum bahut ye beti padhao women empowerment ki baatein karte hain yahan aake I felt really good I feel like there is a very huge change in our country slowly but surely and it's all visible the people who are awarded here are doing great work they are not necessarily you know visible but everybody is doing their little bit of social reform whether it's a politician or an artist or a singer or a musician and they are contributing to the Indian industry as well as have a voice everybody has a voice to say something and to bring the change in the country so this is what I saw here that and I have to say that Vaidya ji is a remarkable woman today everybody talks about women empowerment but koi kuch karna nahi chahta to yahan aake I felt that she is really doing a lot and I was extremely inspired by her Suma ji kya kehna chahenge is award ke bare mein jo news makers award hai aapka kitna zyada boost karta hai confidence ko aur kis cheez ke liye mila hai ye jana chahunga kaun se treatment ke liye mila as a vocalist I've got this award और इस अवार्ड का उन्होंने जो वैद्य जी ने कहा इस अवार्ड का बहुत वजन है ये दोनों तरफ से सही है ऐसे वजन तो है ही है साथ में जब एक पत्रकार की तरफ से कोई अवार्ड मिलता है तो उसका वजन ज़्यादा होता है क्योंकि पत्रकार हमारे समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और वैद्य जी जैसे एक पत्रकार जिन्होंने सच्चाई को ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ा ऐसे तो मुझे पद्मश्री भी मिला हुआ है लेकिन इस अवार्ड का भी मूल्य उस अवार्ड से कुछ भी कम नहीं है और मैं यही कहूँगी कि अवार्ड होती है जिम्मेदारी की जिम्मेदारी बढ़ता है अवार्ड मिलने से खाली ये सजाने के लिए नहीं होता है और मैं वचन देती हूँ कि इस अवार्ड को पाने से मेरी जिम्मेदारी बढ़ी हुई है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस अवार्ड का सम्मान करूँगी और सिर्फ अपने ही लिए नहीं अपने घर के लिए नहीं समाज के लिए थ्रू माई म्यूज़िक मैं भारत रत्न बिस्मिल्ला खान साहब की दत्तक पुत्री हूँ और भारत की संसद में पहली महिला हूँ तो मैं अपने संगीत के ज़रिए इस अवार्ड को सम्मान करूँगी
और अच्छा कार्य करूँगी। धन्यवाद। जी जब अनाउंसमेंट कर रही थी बार बार वो कहती कि हम सब दिल से करते हैं, संगीत भी दिल से आती है। अभी हाल में मैंने रूहे गजल किया था, जब मेरी और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की जुगलबंदी चल रही थी तो नौशाद जी सामने बैठे हुए थे और वो बैठ नहीं रहे थे, वो इतने खुश थे और खड़े ही रह गए थे। फिर प्रोग्राम के बाद वो हमसे मिलेगा कि शुमा जी मैंने 800 बरसों बाद बेगम अख्तर जो गज़ल सम्राट दी रही उनकी रूह पाई है आप में। शुमा जी आज सब कुछ गले तक पहुंच गया है, रूह से सब चीज़, कलाकार की हर कला रूह से आती है और मैंने वो रूह पाई है आप में। तो आप हर चीज़ को संभाल रहे, ख्याल ठुमरी आप गज़ल को भी संभालिए, वो गले तक पहुंच गया है। तो इसी बात पे हमारी रूह गज़ल थी, मैं एक लाइन सुनाना चाहूँगी। लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए सराहा गया, क्या कहना है, कितना बड़ा। विभिन्न विचारों के समूह के केंद्र को समाज कहते हैं और समाज विकसित और जीवंत ये आदर्शों का अनुसरण कर और आदर्शों का सम्मान करता है। तो विभिन्न क्षेत्र के वो सभी व्यक्तित्व जो एक सद्गुण के रूप में हमारे संस्कृति के पोषक होते हैं और साथ में मानवीय स्पंदन और मानवीय संवेदना के साथ में सेवा समर्पण और आचरण का शुद्ध भाव रखकर अपने धर्म को विशुद्ध राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित होते हैं, इसलिए आज NBC अवार्ड के माध्यम से इसी तरीके की शख्सियतों को जो है पुरस्कार दिया गया महाराष्ट्र दिवस के निमित्त पर। नहीं सर, कार्य करना ज़्यादा ज़रूरी होता है या न्यूज़ मेकर खुद को साबित करना, खुद को एक मतलब मीडिया में? देखिए, बाजारवाद के युग के चलते हुए ये प्रश्न आपने मेरे से पूछा है। अगर आप जब धर्म सत्ता का भारतीय समाज पर प्रभाव, कालांतर राजसत्ता का भारतीय समाज पर प्रभाव, उसके बाद सरकार व्यवस्था का भारतीय समाज पर प्रभाव और अब बाजार व्यवस्था का भारतीय समाज पर प्रभाव, आज उसके चलते हुए जो संघर्ष से निर्माण हुए आदर्श हैं वो समाज के अंतिम पंक्ति तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जिनके पास विचार है उनके पास संसाधन नहीं है और जिनके पास संसाधन है उनके पास विचार नहीं है। तो इसलिए न्यूज़ मेकर ये तैयार किए गए आदर्श हैं, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, और जो संघर्ष से निर्माण किए हुए आदर्श हैं उन आदर्शों की पुनर्स्थापना होना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं पर हमारे को बाजारवाद से दूर एक सामाजिक मूल्यों के लिए अर्थ आधारित शिक्षण, अर्थ आधारित बुद्धि, जिससे अर्थ आधारित समाज निर्माण हुआ है उसने अनर्थ किया है। That there are many good people in the society, those who are doing good job, and as a journalist I think when we write about them, when we criticize about them, we do need to encourage them for their better work. Hindi mein bola jaye to woh samaj mein aise bahut se log hain jo is samajik karya ko chala rahe hain, samaj ke utthan ke liye kuch na kuch contribution de rahe hain, chahe kisi bhi field mein ho. Ek patrakar bhi acha kaam kar raha hai, ek samaj sevak bhi kar raha hai, sabhi log apna apna kaam kar rahe hain, aur hum ek patrakar hone ke nate agar unpe टीका टिप्पणी करके उनको आईना दिखाते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन देना भी हमारा ही काम है। तो मैंने सोचा कि उन्हें शुरू किया जाइए, और ये उपक्रम हमने 8 साल पहले शुरू किया था, और उन लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, दोज हु आर अनसंग हीरोज, मीन्स जाने माने लोगों को सभी अवार्ड देते हैं जो ऐसे काम करते हैं, मनीषा रोटे जैसे हैं, उनको कोई नहीं मतलब कितना रिकॉग्नाइज करता है। तो मैंने सोचा था एक प्लेटफॉर्म पे जाने और अनजाने दोनों को बिठाया जाए और एक जाना अनजाना सा कार्यक्रम करें। थैंक्स अ लॉट। ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.